हेलो दोस्तों, क्लास इलेवंथ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास इलेवंथ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, द्रवों के यांत्रिक गुण या तरलों के यांत्रिक गुण। और आज से हम इसके एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए क्यों। पहला है, मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैर पर रक्तचाप अधिक होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में यदि रक्तचाप की बात करें, रक्तचाप मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वह पांव पर ज्यादा होता है और हम कहते हैं मस्तिष्क यानी कि सिर पर कम होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है, हम जानते हैं जो द्रव दाब होता है वह डिपेंड करता है, पी इजिकल टू होता है हमारा एच रो जी के बराबर। अब यदि हम अपने पांव पर देखें तो पांव से लेकर के सिर तक की ऊंचाई का, जो हमारी धमनियों में जो रक्त बह रहा है उसकी जो ऊंचाई है वह ज्यादा है। और मस्तिष्क के ऊपर, तो मस्तिष्क तो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, तो उसके ऊपर तो कोई द्रव है ही नहीं या रक्त है ही नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो निश्चित रूप से हमारे पांव से लेके सिर तक के जितना भी रक्त है उसका दाब हमारे पांव पर पड़ता है। तो इस सूत्र से हम कह सकते हैं, चूंकि पांव पर रक्त के स्तंभ का की जो ऊंचाई है वह ज्यादा होती है अपेक्षाकृत मस्तिष्क के, तो हम कहेंगे पांव पर रक्तचाप अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है। इसके कहने का अर्थ है कि यह हमारा क्षैतिज तल है और वायुमंडल यहां तक है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। लेकिन कहता है जो वायुमंडलीय दाब है वह केवल 6 किलोमीटर पर ही, ये जो 6 किलोमीटर है इतने पर ही वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। जबकि ऊंचाई के अनुसार यदि हम सोचते तो 50 किलोमीटर पर होना चाहिए था आधा। तो ऐसा क्यों है, यह पूछना चाह रहा है। देखिए, जो वायुमंडल है जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की गैसों का जो से बना हुआ जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल का घनत्व तो एक समान नहीं है। अर्थात क्षैतिज तल से, पृथ्वी के तल से लेकर के हमारे सरफेस से लेकर के जहां तक हमारा वायुमंडल एटमोस्फेयर है, उस एंड पॉइंट तक जो वायुमंडल है, जो एटमोस्फेयर है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व तो एक समान नहीं है। नीचे क्षैतिज तल के समीप जो वायुमंडल का जो घनत्व है, एटमोस्फेरिक जो डेंसिटी है, उसका मान है ज्यादा। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं जो गैसों का जो घनत्व होता है वो कम होता चले जाता है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि पृथ्वी तल के समीप गैसों का घनत्व है ज्यादा और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गैसों का घनत्व होता जाता है कम, इसीलिए पृथ्वी तल से ठीक 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना हो जाता है, जस्ट आधा हो जाता है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तथापि द्रव स्थिति की दाब एक अदिश राशि है। ये कहते हैं द्रव दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। देखिए यहां पर यदि आप पास्कल के नियम को समझें, पास्कल का नियम कहता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब होता है वो उसके स्वतंत्र तल से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है और उस गहराई बिंदु पर, यदि एक ही गहराई पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान समान होगा और सभी दिशाओं में समान होगा। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि पास्कल के नियम के अनुसार यह द्रव दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है, बशर्ते उसकी स्वतंत्र तल से जो गहराई है वह बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए द्रव दाब की कोई दिशा नहीं होती है, वह सभी दिशाओं पे एक समान रूप से है। आपको ध्यान हो, इस प्रकार से हमने बताया था, यह हम स्वतंत्र तल ले लें, यहां से हम कोई एक बिंदु ले लें, तो इस बिंदु पर जो द्रव दाब होगा वह सब दिशाओं में एक समान रूप से होगा। और इसी बिंदु क्या, इस लाइन पर जितने भी हमारे बिंदु होंगे उन सब पर जो दाब होगा वो सभी दिशाओं में क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दाब सभी दिशाओं में समान है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती, यह एक अदिश राशि। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
10.2 इसके अनुसार स्पष्ट कीजिए क्यों। पहला, पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक होता है जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून होता है। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि यदि हम बात करें पारे तथा कांच इस जोड़े की बात करें तो इसके लिए पारे के दो अणुओं के बीच में जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल, ये होता है अधिक। और पारे तथा कांच के अणुओं के बीच में जो दूसरा बल काम करता है जिसे हम कहते हैं असंजक बल, बल ये क्या होता है, कम। इसी कारण से जो स्पर्श कोण होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। पारे तथा कांच के बीच का जो स्पर्श कोण होगा वह अधिक होगा क्योंकि ससंजक बल का मान अधिक है और असंजक बल का मान कम है। दूसरी बात करें, जल तथा कांच की बात करें, दूसरा हमने एग्जांपल किसका ले रहे हैं, जल तथा कांच। तो जल तथा कांच के लिए जल के दो अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल ये होता है कम और जल तथा कांच के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल इसका मान होता है अधिक। इसलिए इसमें स्पर्श कोण ज्यादा होता है और इसमें स्पर्श कोण कम होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पर, ये तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है हमारा, स्पर्श कोण बड़ा। और इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, स्पर्श कोण छोटा या न्यून कोण। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात का। बी पार्ट है, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। भी बिल्कुल यही वाला बिल्कुल इसका रीजन है, क्योंकि इस वाले प्रश्न में लिखते हैं, क्योंकि जो जल के अणुओं में, जल के अणुओं में ससंजक बल कम होता है, ससंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है, कम होता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने कहा जल के, हमने जल को किसी इसी पृष्ठ पर हमने रख दिया, तो क्या है, जल के अणुओं तथा इस पृष्ठ के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल का मान है ज्यादा और ससंजक बल यानी कि जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान हो गया कम। तो क्या होगा, जल इस पृष्ठ को भिगो देगा। और पारे के साथ क्या है, पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान ज्यादा होता है और पारे के अणु और इस पृष्ठ के अणु के बीच लगने वाले असंजक बल का मान क्या है, कम। इसलिए पारा पृष्ठ को भिगोता नहीं, वो क्या करता है, वहां पर एक बॉल बना देता है, गोलाकार शेप में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। अगला, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल सही बात है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, देखिए पृष्ठ तनाव, यह पृष्ठ तनाव की एक प्रॉपर्टी तो यह है कि वह अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न तो करता है लेकिन वह निर्भर नहीं करता उस पर, क्योंकि हम जानते हैं पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो इस सूत्र में कहीं पर भी क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगला, जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। अपमार्जक मतलब जब हम साबुन या डिटर्जेंट जल में घोलते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों के भीतर से मैल आसानी से निकल जाए। अब देखिए ये कब संभव है, हमने देखा था स्पर्श कोण जब छोटा होगा, तो छोटा होने से क्या होगा, ससंजक बल का मान कम होगा और असंजक बल का मान अधिक होगा। तो इसका यहां पर क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अपमार्जक जो हम जल में डालेंगे और अपमार्जक घुले जल के अणुओं के बीच लगने वाला जब ससंजक बल कम होगा और असंजक बल का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा, जल के अणु आपस में चिपकने के बजाय जो
धूल, मिट्टी, तेल जो कपड़ों के अंदर गंदगी के रूप में स्थित है, उनके अणुओं के साथ क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि असंजक बल का मान ज्यादा है। और जब चिपक जाएंगे तो जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, साथ में उन कणों को जो उसके साथ चिपके हुए हैं उनको बाहर निकाल देंगे कपड़े से, और धुलाई क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि स्पर्श कोण का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श कोण कम होगा तो ससंजक बल कम और असंजक बल अधिक होगा तो मैल निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं, स्पर्श कोण कम होने से अपमार्जक घुले, अपमार्जक घुले जल के अणुओं का ससंजक बल कम तथा मैल के अणु के मध्य लगने वाला असंजक बल अधिक होगा, अधिक होगा। तो यदि असंजक बल अधिक होगा तो वह मैल उसके साथ चिपक करके बाहर निकल जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला है, यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव की बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। हमने चैप्टर में थ्योरी में आपको बताया था कि द्रव की जो छोटी बूंदें होती हैं वो हमेशा गोलाकार आकृति की होती है। क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव की, हमने कहा, जो प्रॉपर्टी है कि वो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास कर रही है। और हम जानते हैं कि अलग अलग, यदि समान मात्रा के यदि पदार्थ लिए जाएं और उनकी अलग अलग आकृतियां बनाई जाएं तो जो बाह्य पृष्ठ होता है वो सबसे न्यूनतम गोले का होता है। तो इसलिए, क्योंकि पृष्ठ तनाव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण उसका जो पृष्ठ होता है वो क्या बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। लेकिन ये तभी संभव है यदि उस पर कोई बाह्य बल काम न कर रहा हो। अर्थात यदि जल की छोटी छोटी बूंदें लें तो उनकी जो आकृति होगी निश्चित रूप से गोलाकार होगी, लेकिन जल की यदि बड़ी बूंद आप ले लोगे तो उसकी आकृति गोलाकार नहीं होगी, क्योंकि वो अपने द्रव्यमान के कारण, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वो क्या हो जाएगी, थोड़ी चपटी हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव की बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है, क्योंकि क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जल अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.3। इसके अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है। तो हमने थ्योरी में समझा था कि जो ताप यदि बढ़ाते हैं तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान हो तो हमने गर्म सूप को कहा था कि वह अधिक स्वादिष्ट लगता है और ठंडा सूप कम स्वादिष्ट लगता है, इसी कारण से। तो क्या लिखेंगे, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। सेकेंड है, गैसों की शान्यता ताप बढ़ने पर बढ़ती है या घटती है, जबकि द्रवों की शान्यता ताप बढ़ने पर बढ़ती है या घटती है। देखिए, गैसों की शान्यता ताप बढ़ने पर बढ़ेगी, क्योंकि गैस का ताप बढ़ेगा तो उनके जो टकराते हैं आपस में उनकी टकरावों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो उनकी जो शान्यता होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ती है गैसों में। जबकि द्रवों की शान्यता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। तो इसे ऐसे समझते हैं। अगला है, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक वाले किसी ठोस के लिए अपरूपण प्रतिबल। जब हमने प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा था तो अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, हमें पता है। तो अपरूपण प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अपरूपण विकृति। तो लिखेंगे अपरूपण
विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि ध्रुवों के लिए वह अपरूपण विकृति दर, जिसको कि हमने वहां पर वेग प्रवणता से निरूपित किया था, तो जो अपरूपण विकृति दर होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है ध्रुवों में। ध्रुवों के लिए है अपरूपण विकृति दर, तो यहां अपरूपण केवल विकृति आता है, यहां विकृति दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला देखें डी, किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह में आए, अपरिवर्ती मतलब जो बदल ना रहा हो, प्रवाह में आए किसी संकीर्ण बल, संकीर्ण मतलब जहां पर रास्ता क्या है, बिल्कुल पतला है, संकीर्ण है, पर प्रवाह की चाल में वृद्धि का अनुसरण होता है। हमने आपको बताया था ए वन वी वन बराबर होता है ए टू वी टू के नियतांक है, अर्थात यदि कोई द्रव किसी नली में बह रहा है, किसी नलिका में बह रहा है, क्योंकि वो वहां पर हम कह सकते हैं कहीं संचित तो होगा नहीं, तो जितना एक तरफ से द्रव आएगा उतना ही दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए उसे, तो इसीलिए जहां चौड़े होते हैं मुंह पाइपों के वहां पर द्रव का वेग कम हो जाता है, और जहां पर पतले होते हैं वहां पर द्रव का वेग बढ़ जाता है। तो यह किसका सिद्धांत करता है, बर्नौली नहीं बल्कि संहति के संरक्षण, संहति का संरक्षण इसका अनुसरण करता है। अगला, किसी वायु सुरंग में, किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में अधिक होती है, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था, क्या होती अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.4। इसके अनुसार कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है, किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए उस कागज पर ऊपर की ओर फूंक मारनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। तो किधर फूंक मारने के लिए कह रहा है, ऊपर की ओर, और नीचे की ओर नहीं मारनी चाहिए। तो देखिए क्या कारण है, मान लेते हैं ये कागज की पट्टी है हमारे पास, अब यदि ऊपर की ओर हम फूंक मारेंगे तो ऊपर वायु तेजी से बहेगी, वायु तेजी से बहेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, जबकि नीचे कोई फूंक नहीं मार रहा है तो नीचे से क्या होगा, वायु धीरे धीरे बहेगी, तो यहां पर वायु क्योंकि ऊपर से तेज बह रही थी तो वायु दाब कम हो गया, नीचे वायु का वेग कम है तो यहां वायु दाब अधिक है, और आप जानते हैं वस्तुएं अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ खिसकती हैं या चलती हैं, तो यह कागज जब ऊपर की ओर से फूंक मारेंगे तो यह क्षैतिज रहेगा, ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा। दूसरी बात, जब हम किसी जल टोटी को उंगलियों के द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पाइप लीजिए और पानी उसमें से निकल रहा हो, आप पाइप के मुंह पर यदि उंगली लगा देंगे तो अब पाइप से जो जल धारा होगी तेजी से निकलेगी। तो इसका कारण क्या है, इसका मूल कारण है कि कहीं पर भी जल इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। तो हमने वहां पर एक सूत्र, आपको ध्यान हो हमने पढ़ा था, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, और यह बराबर किसके होता है, यानी कि ए वी बराबर होता है नियतांक के, अर्थात जहां पर पाइप का जो क्षेत्रफल होगा, परिच्छेद का क्षेत्रफल वह कम होगा, वहां पर वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जहां पर क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा वहां पर वेग क्या होगा, घट जाएगा। तो जब हम जल वाली टोटी को हाथ से बंद करने का प्रयास करते हैं उंगलियों से, तो अब उंगलियों से बंद करेंगे तो बीच में थोड़ा सा स्थान रह जाता है, वहां से द्रव तेजी से बाहर निकलेगा, तीव्र वेग से बाहर निकलेगा, और वहां से जल धाराएं फूट पड़ेंगी, क्योंकि हाथ से बंद करने पे क्या होगा, क्षेत्रफल घट जाएगा तो द्रव का वेग बढ़ जाएगा। अगला है, इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार वही प्रभावी धारा को अच्छा नियंत्रित करता है। आपने यदि कभी इंजेक्शन देखा हो तो पीछे की ओर का हिस्सा उसका चौड़ा होता है और आगे की तरफ का हिस्सा एक सुई नीडल होती है जो कि उसमें बारीक सा छिद्र होता है। अब हम इसी वाले सूत्र से जानते हैं कि यदि आगे की सुई की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी, सुई जितनी मोटी होगी, पीछे से हम दाब तो एक समान ही दे रहे हैं, तो सुई की यदि चौड़ाई मोटी होगी, उसका छेद मोटा होगा, तो वहां से जो दवाई होगी उसका वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, और यदि सुई की मोटाई आगे का उसका छिद्र बारीक होगा तो वहां से जो दवाई अंदर जाएगी, शरीर के भीतर जाएगी, वो तीव्र वेग से जाएगी। तो पीछे अंगूठे से उसके, हम कह सकते हैं, पिस्टन को दबाव दे करके वेग को नियंत्रित
करना से ज्यादा अच्छा है हम सुई को मोटी अथवा पतली करके उसके वेग को, उसके वही प्रवाह वेग को क्या कर लें, नियंत्रित कर लें। तो यही बात है। अगला है, किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है। तो देखिए, यह तो किस पर आधारित है, यह तो संवेग संरक्षण पर आधारित है, यह आधारित है संवेग संरक्षण। क्योंकि जब किसी पात्र से कोई द्रव निकलेगा, तेजी से निकलेगा, क्योंकि द्रव दाब के कारण, तो उस उन दोनों पर कोई बाह्य बल तो काम कर नहीं रहा है। जो जितनी तेजी से वो आगे की ओर निकलेगा पात्र पर, उतना ही बल पीछे की ओर लगाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो उनका कुल संवेग क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। तो जितनी तेज वेग से वो आगे की ओर जाएगा उतना ही तेज प्रणोद वो पीछे की ओर लगाएगा। तो यहां संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। अगला है, कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलीय पथ का अनुसरण नहीं करती। अर्थात जब कोई गेंद हवा में चलती है तो वह परवलयाकार पथ का अनुसरण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि जब गेंद हवा में चलती है घूमती हुई गेंद, तो उसके एक पृष्ठ से हमने कहा था वायु तेजी से निकलती है, दूसरे पृष्ठ से जो वायु होती है धीरे धीरे निकलती है, जिसके कारण उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। एक तरफ द्रव दाब हो गया ज्यादा और एक तरफ हो गया द्रव दाब हो गया कम, तो गेंद जो होगी वो अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, अर्थात तो उस पर एक एक्स्ट्रा बल लगेगा। तो इस कारण से वो परवलयाकार पथ पर का अनुसरण नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो प्रचक्रमान गेंद हमने कह दिया परवलय पथ का अनुसरण नहीं करती, और दूसरे शब्दों में कहें तो कोई गेंद परवलय का पार पथ का अनुसरण केवल तभी करती है यदि उस पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित ना हो। यहां पर गेंद लगातार घूम रही है, उस पर लगने वाले बल की दिशा भी लगातार परिवर्तित होती रहेगी। जो वाला जो हिस्से में हवा तेजी से जाएगी उस वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, और दूसरे हिस्से पर दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वह अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ शिफ्ट होगी। अब वो वाला हिस्सा जिससे वायु तेजी से जा रही है यदि वो घूम करके, क्योंकि घूम रही है, दूसरी तरफ आ जाएगी, तो फिर बल की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो परवलयाकार पथ का अनुसरण नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।